अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। ये मैंगो को काट करके छोटे छोटे पीसेस में रख लिया है। ये थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर लिया है एक चम्मच, इस चम्मच में से एक चम्मच है। ये शुगर, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते और ये अनार गार्निश के लिए। और मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए हम पहले दूध गर्म करेंगे, तो गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन करेंगे। इसमें दूध डालेंगे, आधा किलो दूध लिया है। गरम होने देंगे, ये थोड़ा सा दूध हमारा गुनगुना हो गया है, ज्यादा गरम नहीं है, तो हम एक कचड़ी निकाल लेते हैं इतना कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें ज्यादा गरम ज्यादा ठंडा दूध नहीं चाहिए, हल्का गुनगुना चाहिए। ये देखिए हमारे दूध में उबाल आने लगी है। अब हम इन पे डाल देंगे अपनी शुगर। शुगर दो चम्मच लिया था, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ना आपको मीठा पसंद उसके हिसाब से। कुकर को थोड़ी देर भूल जाने देंगे। हमारा दूध इस तरह दूसरे गैस पे गर्म हो रहा है, जब तक हम ये कस्टर्ड पाउडर को घोल करके तैयार कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इस तरीके से चलाएंगे ताकि बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़े। और ये देखिए गैस को हमने नहीं चलाया है, गैस बंद है, उधर कैमरे में नहीं दिख रहा था, इसलिए हम इधर चला करके घोल के दिखाने के लिए करे हैं। ये हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छे से घुल चुका है, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ी है। दूध हमारा एक तरफ गर्म हो रहा है, ये दूध हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, शक्कर भी घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालते समय गैस को बिल्कुल मंद करना है और इसको एकदम आराम से डालना है इस तरीके से, और बिल्कुल चलाते रहना है, रोकना नहीं है बिल्कुल। हमने थोड़ा सा गैस को तेज किया था और फिर धीमे कर दिया था तुरंत, और इसको धीमी आंच पे ही चलाना है इसी तरह से 5-6 मिनट तक अच्छे से, ताकि पक जाए कस्टर्ड, नहीं तो कस्टर्ड की वो आएगी मुँह में कच्चापन, तो अच्छा नहीं लगता। फिर इसे इसको अच्छे से पकाना है। कस्टर्ड डालने के बाद हमने थोड़ा सा गैस तेज किया था, ज़्यादा तेज के लिए नहीं तेज किया था, और फिर बिल्कुल धीमी कर लिया है, बिल्कुल मध्य आँच पे ही इसको पकाना है 5-6 मिनट तक, ताकि इसका कस्टर्ड और वो अच्छे से पक जाए, नहीं तो कस्टर्ड का पाउडर का स्वाद कच्चा बन रहता है तो अच्छा नहीं आता है बिल्कुल। ये हमारा मैंगो कस्टर्ड पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पिस्ते और बादाम, और थोड़े से रख दिए हैं गार्निश के लिए। तो गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने ज्यादा ठंडा इसको नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें इसमें आम के पीसेस डालने हैं, आम के पीसेस इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर से और चला देंगे। गैस को नहीं जलाया है, गैस बंद है, और ये भी हल्का ठंडा हो चुका है, ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है। अब हम इसे 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। हम मैंगो कस्टर्ड को 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसे हमने सर्व कर दिया।